Assalamu alaikum, welcome to the Wales podcast. I'm your host Mohammad Raza Hussain with yet another exciting episode of how to improve your grades before the CIEs. Aaj hamare paas do bahut hi renowned, bahut hi established teachers hain, Sir Waseem Taj of maths and Sir Kashan Rashid of physics. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Aaj hum inse jo baat karenge wo ye hai ki aapke paas jitne bhi din reh gaye hain, hamara ye aakhri ashra hai Ramzan ka. हम जितना ईद के करीब जाते जा रहे हैं उतना ही हम सीआईईज के करीब जाते जा रहे हैं, तो अब आपके पास क्या रोड मैप है अपना ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए? व्हाट कैन यू डू, व्हाट अ लास्ट मिनट तैयारी विच यू कैन डू टू मेक इट वर्थ वाइल एंड टू गेट द ग्रेड विच यू रियली डिजर्व? सो आई विल स्टार्ट विद सर वसीम. सर कैसे मिजाज हैं? अलग 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 शुक्र है सर. ये बताइए, अब कुछ ही दिन रह गए, ग्रेड इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाए? देखिए, जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ा है उसको ये वाली परेशानी नहीं होगी कि ग्रेड कैसे इम्प्रूव होगा कैसे नहीं होगा. लेकिन मैं उन बच्चों को पहले बोल देता हूँ जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है, कि अब एंड में पैनिक ना करें. क्योंकि देखें, ए ग्रेड के लिए आपको मेंटली प्रेजेंट होना ज़रूरी है पेपर के दौरान, और पेपर के दौरान आप पैनिक ना करें. और पेपर से पहले जो एक रात पहले लोग पूरी पूरी रात जाग के पेपर देने जाते हैं, ये वाली हरकत ना करें. हाँ, अजीब अजीब से ख्वाब भी आ सकते हैं सोते हुए, लेकिन उसको हैंडल करें और पेपर से पहले नींद पूरी करके जाएँ. फिर जहाँ तक उन बच्चों की बात है कि जिन्होंने पूरे साल पढ़ा नहीं, जो कि आज भी अपने ओ लेवल के माइंडसेट में हैं कि हमने ओ लेवल दो महीने में कर लिया, एक महीने में कर लिया, ए भी हो जाएगा, तो बेटा उनके लिए मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, बेटा अक्टूबर नवंबर सेशन अभी रहता है. टारगेट करें अक्टूबर नवंबर पर, या एक साल लगा दें, दो साल, ए लेवल ऑनर्स की डिग्री ले लें, चार साल में आप ए लेवल्स करें, कोई मसला नहीं है. कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे भी नहीं पढ़ेंगे. लेकिन बात वही है कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, और उनकी फ़र्ज करें, देखिए हर बच्चा ए के लिए पैदा नहीं हुआ. मैं इस पर बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि हर बच्चा ए नहीं लेके आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है. हर सब्जेक्ट में आप हर इतने स्ट्रांग नहीं हो. कुछ बच्चे भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को ये कहता हूँ एटलीस्ट सी तक तो लाओ. उसके लिए आप अपने कोई भी सब्जेक्ट हो सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो जिनकी आप तैयारी कर सकते हो. पूरे सिलेबस की तो आप तैयारी कर नहीं सकते हो. अब अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई ए लेवल मैथ का कोई बच्चा होता है ए टू में, तो मैं उसे कहता हूँ कि बेटा कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ लो, पार्शल पढ़ लो, बायनॉमियल पढ़ लो, लॉग पढ़ लो, लीनियर लॉ पढ़ लो, इंडाइसिस सर्ट्स इन लोगारिथम वगैरह, इनसे आप एटलीस्ट इतना, या ट्रिग्नोमेट्री एक मुश्किल टॉपिक कर लो, कि उससे ये हो जाएगा कि आपके आइट्रेशन, मॉडुलस, ये आसान आसान टॉपिक्स हो जाएंगे. एटलीस्ट आप ई या डी ले आओगे. ठीक है, जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा, अब वो बैठ के अगर ये कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच पढ़ेंगे, पूरा कर लेंगे, इतना तो हो जाएगा, ई या डी आ जाएगा. एटलीस्ट साल तो ज़ाया नहीं होगा. कई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है भाई. तो उन बच्चों को भी देखना चाहिए, अब कुछ टॉपिक्स को ही सीरियसली ले लें. लेकिन अगर कोई बच्चा ये है कि जिसने पूरे साल थोड़ी बहुत मेहनत करी है, आधा आधा होमवर्क करा है, आधा टाइम पढ़ा है, आधा टाइम इन्जॉयमेंट करिए, उससे कोई मसला नहीं है. वो बच्चा अगर अभी भी बैठ के पहले किसी भी टीचर से पढ़ रहा है, उस टीचर के अगर रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, कुछ भी है, उनको एक बार गो थ्रू कर ले, फिर उसके बाद शुरू आखिर के तीन साल या चार साल के सारे वेरिएंट के पास पेपर कर ले, आई एम श्योर कि वो अभी भी अपना ए ग्रेड अप कर सकता है ये मेहनत करके. अगर वो ये भी नहीं करने को तैयार, फिर तो मैंने आपसे कहा ना, चार साल में भी ए लेवल्स होता है, ए लेवल ऑनर्स की डिग्रियां मिलेंगी कई बच्चों को. सर काशान कैसे मजा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर. इस दफा जो आपने मॉक्स चेक किए हैं उसमें बच्चा क्या मिस्टेक कर रहा है? असल में दो तीन चीज़ें होती हैं हमारे लेवल्स में. तो एक बड़ी कॉमन बात है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखें. ए टू के अंदर तो खास तौर पर बाकायदा आपको इक्वेशन लिखने पे आपको एक मार्क मिल रहा होता है. तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको आदत होती है, क्योंकि वो क्लास में भी सॉल्व कर रहे हैं, भाई कैलकुलेटर उठाया, टीचर करवा रहा है, टक 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 सॉल्व किया, आंसर लिख दिया, ना डाटा पूरा लिखा, ना इक्वेशन सही बनाई हुई है, आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कहीं के कहीं जा रहे होते हैं, बस वो एक ढीलेपन से जो सवाल सॉल्व करते हैं ना, उसकी वजह से इनके रिकरिंग मार्क्स लॉस होते रहते हैं. तो अभी भी यही हालात होते हैं बच्चों के. प्रोफेशनल बच्चे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनको नहीं आता, लाजमी बात है, इतनी तेजी से कैलकुलेटर पे कर रहा है तो उसका मतलब चीज़ आती है. लेकिन बस वो जो चीज़ है, कभी कभार होता है ना कि आपको मार्क्स हासिल करने के लिए चाहिए, आपको करना है, वो चीज़ें बच्चे अक्सर लूज़ करते हैं. दूसरा, हमारे फिजिक्स में एक डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के लिहाज से एक डिफरेंस है कि आपके कमांड वर्ड्स हैं बच्चों का, मैं कहता हूँ इसका मतलब जानूँ. अगर वो बोलता है डिस्क्राइब समथिंग और अगर वो बोलता है एक्सप्लेन समथिंग, उसका फ़र्क तो पता हो. तो ये चीज़ अभी भी मैं देखता हूँ कि बच्चों में थोड़ा सा लैक करती है. मैं उनमें बताता हूँ कि देखो बेटा, अगर एक्सप्लेन का सवाल आया ना, इसका मतलब कोई फिजिक्स की इक्वेशन, कोई लॉ, कोई
कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें यूज़ करनी है उस बात को समझाने के लिए। सही, अगर तुम्हें बताना है कि वो बोलता है एक्सप्लेन व्हाई द ऑब्जेक्ट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, तो अब आप रिलेट करें उसमें फोर्सेस का मामला, आप रिलेट करें न्यूटन के लॉस का रिलेशन, आप फिजिक्स के पूरे फाउंडेशंस को जाते हुए समझाएं कि भाई ये हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर सवाल डिस्क्राइब करने का है तो डिस्क्राइब करने में आपको फिजिक्स के लॉज इन्वॉल्व नहीं करने होते, वो डिस्क्राइब या तो कोई ग्राफ, या वो डिस्क्राइब करने को बोलेगा आपको कोई सिचुएशन, तो आपको वो जो फिनोमेना हो रहा है उसको समझाना है कि भाई ऐसा होगा, कि भाई डिस्क्राइब द पैटर्न यू विल सी। अब आप उसमें बताएं कि भाई यहाँ ब्राइटनेस है, यहाँ डार्कनेस है, ये गैप है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये फिजिक्स में नहीं घुस रहे हैं आपने कि वो क्यों हो रहा है। जहाँ वो बोलते हैं भाई डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन या स्टेट एंड एक्सप्लेन, अब आपको ना ये कमांड वर्ड्स पता होने चाहिए। तो बच्चे अक्सर जवाब तो लिखते हैं, 3 मार्क के लिए इतना लिख देंगे कि वो लाइन भी खत्म हो जाती है, उससे भी नीचे लिख रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता उसमें लिखना क्या था। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा स्ट्रगल करता है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के अंदर, जो मैंने अब तक देखा है। हम जब अभी आपसे बात कर रहे थे बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन, तो आपने कहा कि S1 को बच्चा जो है वो बहुत लाइटली लेता है या फिर उस तरह से नहीं कर पाता। S1 को बच्चा लाइटली नहीं लेता, बस मसला ये है कि ओ लेवल मैथमेटिक्स का करिकुलम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कोर्स है, राइट। और ओ लेवल मैथ में अनफॉर्चुनेटली बच्चे आखिर के 2-3 महीने पढ़ते हैं, और वो उसके बाद भी उसमें एज सच इतनी एफर्ट नहीं करते, और वर्ड प्रॉब्लम्स है वहाँ पर भी स्ट्रगल करते हैं। S1 स्टेटिस्टिक्स हो गया, स्टेटिस्टिक्स 1 या स्टेटिस्टिक्स 2, दोनों में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको सिचुएशन को समझना होता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए। अब मैंने जिस टाइम पे ए लेवल्स करा था, आई स्टिल रिमेंबर हमारे टाइम पे कॉलेजेस में जनरल पेपर वाज मैंडेटरी। वंडरफुल सब्जेक्ट। उससे होता क्या था कि हमारी थोड़ी सी अंग्रेजी थोड़ी सी बेहतर थी। आजकल के बच्चे जो है अंग्रेज़ी तो समझते भी नहीं है, और वो कहते हैं कि जी S1 मुश्किल है, जबकि द वे आई सी इट, मैंने इतने सालों में S1 देखिए, मुझे S1 पढ़ाते हुए कम से कम भी 16 साल हो गए, मैंने 16 साल में ये चीज़ ज़रूर देख ली है कि S1 के सवालात की वर्किंग भी छोटी होती है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको सवाल समझ आ गया तो आप मार्क्स आराम से स्कोर करेंगे। ऐसी नहीं कि हम S1 का जाके थ्रेशहोल्ड 45-46 पे बनता आउट ऑफ 50, यानी कि 4 से 5 नंबर की गलती के चांस है ए ग्रेड के लिए, राइट। लेकिन मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि बेटा पहले सवाल को तमीज़ से समझो, और सवाल को पहले समझे बगैर आप एकदम से अटेम्प्ट करने ना बैठ जाओ। आप प्योर मैथ के अंदर या प्योर मैथ 1 हो 3 हो या मैकेनिक्स हो, मैं कहता हूँ डेटा देखो, आप जो अपने पास काम डेटा लिखना शुरू कर दो, लेकिन स्टेटिस्टिक्स के लिए पहले सवाल समझो। क्योंकि देखिए प्योर मैथ में जो भी आपका डेटा गिवन है वर्किंग स्ट्रेट होती है, इतना कोई ऐसा मसला नहीं होता, स्पेशली इन P3। बच्चे खामखाई में डरते हैं P3 से, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस के अभी रीसेंट ईयर्स में P3 का डिफिकल्टी लेवल हद से ज़्यादा कम कर दिया है, हद से ज़्यादा कम, और M1 का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि देखिए मैं खुद M1 के जब सवाल देखता हूँ, मैं पहले सुकून से बैठ के एनालाइज करता हूँ सिचुएशन को, और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर बार हर सवाल करोगे तो आप सही कर लोगे। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसे सवाल देते हैं जो कि थ्रेशोल्ड में कटने होते हैं, सही है। अब बच्चा कभी भी कोई पेपर करते हुए अगर किसी सवाल में फंस गए हो आप, और अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, मैं उसको ये कहता हूँ कि बेटा मूव ऑन, आगे चलो, मोस्ट प्रॉब्ली वाला सवाल बाकियों से भी नहीं हो रहा होगा, आप एक ही सवाल में टाइम ना ज़ाया करो। क्योंकि देखें मैथ के जो कंपोनेंट्स हैं M1 S1 S2, ये सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट के होते हैं और 7 सवाल होते हैं, तो इतने आराम से इनको कंप्लीट करना ये एक टास्क है। S2 तो चले हो जाता है, S1 और M1 में पेपर कंप्लीट आराम से नहीं होता, लेंदी है। तो बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि बेटा अभी आप जो है रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस करो, और बराए मेहरबानी अगर आप ये किसी ऐसे मंजन में जा रहे हो कि जी हम 1.5 घंटे की वर्कशॉप 3 घंटे की वर्कशॉप, प्लीज़ अवॉइड दैट। वर्कशॉप में कोई भी बंदा हो, मैं खुद देखें पढ़ाता हूँ ना, मैं कोई भी एक टॉपिक जो कि मैंने कॉलेज में 1 महीने पढ़ाया है, यानी कि 16 घंटे पढ़ाया है, उन्हें उसे 3 घंटे में नहीं पढ़ा सकता, जस्टिस नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है, 16 घंटे पढ़ाता हूँ मैं। अब मैं उसको कह दूँ कि बेटा मैं 3 घंटे में पासवर्ड भी करा दूंगा, भाई मैं कितना तेज चला जाऊँगा। चलो हो सकता है मैं कह दूँ यार 12 घंटे में हो गया, राइट। इन मंजनों में मत आओ, पासवर्ड्स अटेम्प्ट करो, खुद नहीं कर रहे तो पासवर्ड्स की क्लासेस ले लो, लेकिन एटलीस्ट जो टॉपिक पूरे पूरे पढ़ने वाली कहानी है। अब इसके लिए आप मुझसे
किसी के पास भी जाओगे टाइम ज़ाया करोगे, समझ तो आएगा नहीं, क्योंकि जो भी पढ़ाएगा वो ऊपर ऊपर से ही पढ़ा पाएगा। पूरा इन डेप्थ पढ़ाना 3 घंटे में 16 घंटे वाली चीज़ को पॉसिबल नहीं है। जस्टिस नहीं होगी। फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जो कि आसान है, नहीं पढ़ा है पूरे साल, आसान टॉपिक्स पढ़ लो, उन्हीं के क्वेश्चंस करो, एक एक करके सब पे ग्रिप पक्की करो, फिर उसके बाद इतना देखो, हाँ भाई इतना करके मैं पास हो रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि देखिए मेरा फोकस हमेशा उन बच्चों पे होता है जो कि बिल्कुल ही बुरे से हालात में होते हैं। देखिए जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी बैठ के हमारी ये बातें सुनेगा भी नहीं, वो पढ़ाई में मसरूफ है। अभी भी ये बातें कौन बच्चा सुन रहा होगा जिसे बुरे साल पढ़ा है? क्योंकि उसके पास फारिक टाइम बहुत है, वो अभी भी ये कहानियां सुनेगा कि शायद कुछ काम का मंजन मंजन नहीं मिलेगा भाई, हकीकत मिलेगी। हकीकत यही है कि आपको खुद से एफर्ट करना होगा, कोई आपके लिए ना पेपर देने वाला है, आपको खुद से ही टाइम देना होगा। और कोई तरीका मेरी नज़र में अब बचा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है अब महीना बचा है। Yes. महीने में क्या कर लोगे आप? बीच में ईद के 3 दिन आप लोगों को खानदान वालों से मिलना होगा। Yes. बहुत जरूरी होता है वो मिलना ना। देखिए पढ़ने वाला बच्चा तो शायद उसमें भी अपने आप को बंद कर लेगा, करते हैं। लेकिन जो बच्चे माशाल्लाह से जो नहीं पढ़ने वाले थे वो ईद पे कैसे वो करेंगे? क्योंकि देखिए आजकल के बच्चे ये भी करते हैं, सर रमजान में पढ़ रहे हैं, सर बड़ी मेहनत हो रही है, सर ईद वाले दिन पेपर है हमारा, ईद के बिल्कुल पास पेपर है। बिलीव मी, मैं जब ओ लेवल्स कर रहा था मैंने बकरा ईद वाले दिन पेपर दिया है। बकरा ईद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोगों की कुर्बानियाँ हो रही हैं और मैं जा रहा था पेपर देने। यानी कि ये वाली चीज़ें आजकल के बच्चे कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो कंप्लेन करना छोड़ें, प्लीज़ आप पढ़ लो। सेलेक्टिव टॉपिक्स और सेल्फ स्टडी ही होगी, या पास पेपर्स अटेम्प्ट करो, अब वही टाइम बचा है। हाउ मेनी पास पेपर्स इज अ गुड नंबर? देखें दैट डिपेंड्स, कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैं कहता हूँ भाई तुमने 8 भी कर लिए ना तुम्हारे लिए वो भी बहुत है। 8 पेपर जिसने सही से करे। देखें मेरा अपना ये मानना है कि बच्चा तब तक पेपर करता रहे जब तक उसका मार्क्स जो है 75 का अगर फर्ज करें P3 है उसकी, जब तक 66 कंजेकेटिवली 3 से 4 बारी ना आ जाए, यानी कि A के थ्रेशोल्ड पे ना आ जाए, इतना तो मिनिमम करे। ये क्योंकि ये वाली वही बात हो गई ना, अलग अलग बच्चे की नहीं अलग अलग बात हो गई। कई बच्चे होते हैं 28 पेपर भी कर लेते हैं तब भी नहीं आ तक आ पाते, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने फिर कंटेंट पूरा सही से नहीं पढ़ा, और वो कंटेंट किसी वर्कशॉप या किसी मंजन में भी नहीं मिलेगा। तो खुद ही पेपर करना है, या तो खुद पेपर कर लो या कोई ऑनलाइन इतने पेपर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, टीचर्स अलग अलग सॉल्व करके दे रहे हैं, वो जाके देख लो। लेकिन अपनी तैयारी पूरी करके जाएं, अपनी तैयारी खुद पूरी करो। देखो आप या तो ऑनलाइन यूट्यूब पे पेपर्स देख लो, आपको वहाँ पे जवाब नहीं मिलता तो कई लोग पेपर्स पास पेपर्स की क्लासेस लेते हैं, उनकी क्लासेस में आप जाके सवाल पूछ लो, लेकिन पेपर करो। अब टाइम पेपर करने का, नया अब आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो, जो है बस उसी को सॉल्व करना, अब उसी को आप देखो। मेरे पास अगर पहले तो ये बताइए जो टाइम है उसमें मुझे फिजिक्स को कितना देना चाहिए? देखें ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाली बात है, क्योंकि कुछ बच्चों का ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। I'm on C grade right now. So if you are on C grade, तो आपको एटलीस्ट दिन के 4 hours तो उसको देने पड़ेंगे। मुनासिब कर लें थोड़ा सा। सर ये मेरे वाले साहब तो मुझे कहते थे बेटा दिन के 16 घंटे पढ़ना है तुमने, तुम्हारा जो दिन का काम होना चाहिए ना वो ये है कि तुम उठो पढ़ो, बाकी दिन के जितने कोर्स हैं वो चलाते रहो, लेकिन 16 hours ऑफ स्टडी इज वॉट यू नीड। अच्छा अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है? देखिए बहुत सारी बातें होती हैं कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरे पूरे नोट्स लिखे बैठ के, आप नहीं पढ़ सकते। इवन मैं अभी भी कहता हूँ कि ये वो टाइम है कि अगर आप किसी टीचर के रिकॉर्डेड लेसन्स भी देखने बैठेंगे ना आप नहीं कवर कर सकते। कॉन्टेंट की डिटेल ऐसी है, मैं अपने एस के कॉन्टेंट की बात को एक एक घंटे सवा सवा घंटे के तकरीबन चले एक एक घंटे के भी मोर देन 70 lectures हो चुके हैं, 70-75-80 lectures आप 80 hours नहीं कर सकते उस चीज़ को इस तरह से कवर ना। तो उसका प्रोसीजर ही होता है कि भाई देखें आप नोट्स पढ़े और अपने पास ना समरी बनाए उसकी। हमारी एक और बहुत बड़ी जो फर्क है हमारा फुकदान है और वो एक तरह से एक चेंजिंग सिस्टम का भी एक पार्ट है समझ लीजिए, हमने लिखना छोड़ दिया, हमने लिखना छोड़ दिया, नोट नहीं बनाते हम असल में कॉन्टेंट मिल गया PDF में मिल गया, हैंड रिटन मिल गया, तो वो मिल गया ठीक है बहुत अच्छी बात है। आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आप पूरी किताब लिख डालो बैठ के, एटलीस्ट कुछ तो गुजारो अपने हाथ से। तो ये चीज़ आपको आपके मेमोरी पे इम्पैक्ट करती है, आपको वो चीज़ याद रहती है जो आपके यहाँ से गुजरी है। आप एटलीस्ट ये करो जब आप रिवाइज करने बैठो तो आप डेफिनेशंस एक पेज पे
लिखते चले जाओ और कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो। उस वक्त नहीं पता चल रहे तो जब मार्किंग स्कीम से चेक कर रहे होगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, तो उसमें बोल्ड करता है एग्जामिनर कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, अंडरलाइन करता है मुझे ये चीज़ चाहिए। दो तीन डेफिनेशंस आपने वो देखी, आपको खुद पता चल जाएगा यार इस डेफिनेशन में ये वो वर्ड्स हैं जिनका होना 100% है, अगर ये नहीं हुआ मैं पूरी डेफिनेशन भी लिख के आ जाऊँ मुझे मार्क नहीं मिलेगा। ये चीज़ करो, इस वक्त स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ना है, इस वक्त हार्ड वर्क से वाकई में मामला नहीं होते, वी हैव टू वर्क स्मार्टली। हमारी प्रोग्राम के शुरू से मैं एक बात हो रही थी, आई वांट टू रिविजिट दैट, आपने कहा था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पेपर के दिन उनके जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स उस लेवल पे नहीं आते जितने उनके आने चाहिए थे, इसका आपने एक रीज़न बताया था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ए लेवल का कोई भी सब्जेक्ट हो, ए ग्रेड उस बच्चे का आता है जिसने पूरे साल मेहनत भी करी है, सफिशेंट पास पेपर की प्रैक्टिस भी करी है, पेपर से एक रात पहले सो के गया है। जाग के उल्लुओं की तरह आप जाग के पेपर देने जाओगे दिमाग नहीं चलेगा, और पेपर के दौरान पैनिक नहीं करा। अच्छा फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमने पूरे साल मेहनत करी, हमारे एंड में रिजल्ट नहीं आया। मैं उन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि बेटा जो आपने मेहनत करी है ना, मेहनत करना एक आदत है। जो मेहनती इंसान होता है वो ज़िंदगी में कहीं ना कभी जाके सक्सेसफुल हो ही जाता है। थोड़ा टाइम शायद ज़्यादा लग सकता है लेकिन मेहनत करना वो ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा मेरी नज़र में मेहनती और सी ग्रेड ला रहा है, और अगर एक बच्चा जो कि स्मार्ट है बग़ैर मेहनत के कम मेहनत के बी या ए ला रहा है, तो मैं हमेशा उस बच्चे को प्रेफर करूँगा जो कि मेहनती, जिसने राउंड द ईयर मेहनत करी है। क्योंकि देखिए प्रोफेशनली आप जब जाते हो लाइफ, देखिए टेस्ट ऐसे थोड़ी हो रहे होते हैं, असाइनमेंट बेस्ड काम होता है प्रोफेशनली, तो आप कंसिस्टेंट कितने हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अब कोई बच्चा अगर कंसिस्टेंट है, देखिए हमें बच्चों को ए लेवल्स के अंदर मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाना है, थोड़ी सी तरबियत करनी है। हमें उनमें ज़्यादा बात तो नहीं कर पाते लेकिन हमें ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई मेहनत अगर कर रहे हो तो इवेंचुअली यू विल सक्सीड इन लाइफ। ग्रेड्स सब कुछ नहीं होते हैं, सही है, और बी ग्रेड या सी ग्रेड पर भी दिल छोटा नहीं करना है क्योंकि हर बच्चा ए के लिए पैदा भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ यू भी नहीं आना चाहिए, ई भी नहीं आना चाहिए। यू ई से मुझे वो है कि वो बच्चे ने पढ़ा भी नहीं और माशाल्लाह से मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं। One piece of paper cannot decide my future. हाँ वो ये वाली कोट बड़ी चलती है ना बच्चों की, तो अब वो पेपर उनके पास पता नहीं बाद में कौन कौन से आएंगे। सही है, नहीं आई एग्री। व्हाट इज द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव योर किड्स? यूज योर टाइम अवेलेबल एज फ्रूटफुली एज पॉसिबल, आगे पीछे इधर उधर की चीज़ों पर मत जाओ, लेकिन मानो इस वक्त को याद करोगे जब यह गुजर जाएगा। सर मैं यही बोलूँगा कि बेटा अगर आपके पास कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सेलेक्टिव टॉपिक्स उठाओ जो कि थोड़े से कॉलेज की याद नहीं हो, उन्हीं के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, उनको नोट डाउन करो और फिर उसी के पहले पास पेपर्स करो। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हाँ भाई आपके 5-6 टॉपिक ऐसे कवर हो गए, 5-6 सवाल कर सकते हो, फिर एयरली पेपर शुरू कर दो। और एयरली पेपर्स हमेशा पीछे से करना, यानी कि रीसेंट मोस्ट रीसेंट से पीछे की तरफ जाओ, और इसके बाद अब इसके अलावा अब आप इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। और जो बच्चे पूरे साल पढ़ते रहे वो तो डायरेक्टली रीसेंट ईयर्स के पास से पढ़ कर भी रहे होते हैं, अभी उन्होंने कर भी रहे हैं, कर चुके होते हैं और पूछ रहे होते हैं सर ये भी हो गया। मुझे तो अभी एक मेरा बच्चा है वो मुझे कहता है कि सर मैंने पिछले 4 साल के तो पेपर कर लिए, आपने कहा था ये कर लो, अब बताएं और पीछे जाऊं? मैंने चले जाओ। मैं कहते सर मैंने 16 तक के भी कर लिए, अब क्या करूं? मैंने बेटा प्लीज़ दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लो। क्योंकि एक मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, वहां पे एक बच्चा है, मैं उसको कहता ही AW नाम डाला है मैंने उसका, माशाल्लाह से मैथ में ए लाए थे, बाकी दोनों में यू लाए। मैंने बेटा सिर्फ मैथ क्यों पढ़ी? सर वही समझ आ रही थी, बाकी दोनों मैंने पढ़े ही नहीं, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं भाई उन्हें भी पढ़ो, बैलेंस। एक सब्जेक्ट पे इतना टाइम नहीं। आपने जैसे भी पूछा कि कितना टाइम दें, काशान ने जो बात बोली 4 घंटे, मैं ये कहूँगा कि हाँ भाई अगर आपने फिजिक्स की तैयारी कम है 4 घंटे दो, मैथ की बेहतर है 3 घंटे दे दो। अगर एक और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तीसरा सब्जेक्ट है और बेहतर है 2 घंटे दे दो, लेकिन मिनिमम 2 घंटे तो देने दो, दो हर सब्जेक्ट को दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठा के उसी को पढ़ते रहो, पेपर 3 देने हैं, एक नहीं देना है, वरना AW तो वन साइडेड चिप बन जाते हैं बच्चे हो जाते हैं।
इसी के साथ हमारा आज का जो टाइम है वो ख़त्म होता है. ये आई जस्ट वॉन्ट टू रिटेरेट अगेन कि हम ये आपके लिए क्यों कर रहे हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप अपने टाइम को बेहतर किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. दिस इज़ अ पॉडकास्ट ऑफ होप, दिस इज़ नॉट ऑफ फियर और ड्रेड. वी वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट यू स्टिल कैन लेवरेज द टाइम विच यू हैव टू गेट अ बेटर ग्रेड. आई थैंक द टू मेम्बर्स विच आई हैव. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आप वक्त निकाल कर आए, एंड होपिंग दैट यू आर एबल टू यूज वॉट एवर एडवाइसिस दिस टू जेंटलमैन हैव गिवन यू to secure a better grade. Thank you. This is Mohammad Raza Hussain signing off. Assalamu alaikum.